खबरों के सफरनामे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डालते नजर फास्ट न्यूज पर। जीएसटीएन लेने में वेस्ट यूपी आगे। जीएसटी नेटवर्क रजिस्ट्रेशन के मामले में वेस्ट यूपी के व्यापारी 56% औसत के साथ सबसे आगे हैं। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स की तमाम जटिलताओं के बावजूद वेस्ट यूपी के व्यापारी इसको सकारात्मक तौर पर तेजी से अपना रहे हैं, और शायद यही वजह है कि जहां पुराने टैक्स सिस्टम से नए रजिस्ट्रेशन लेने के मामले में देश की औसत 54% है, तो वहीं वेस्ट यूपी के व्यापारी इस मामले में 56% औसत के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। मंगल पांडे नगर में बने सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, जिसमें अब तक 1,56,780 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वहीं राज्य टैक्स विभाग में हुए रजिस्ट्रेशन पर गौर करें तो यहां प्रदेश के रजिस्टर्ड व्यापारियों का कुल 3,16,000 है, जिसकी बूते प्रदेश में जीएसटीएन यानी कि रजिस्ट्रेशन लेने में उत्तर प्रदेश के एनसीआर के शहर और वेस्ट यूपी के जिले सबसे आगे चल रहे हैं। शुरू होगी अटल सिटी ट्रांसपोर्ट सेवा। शहर वासियों को सस्ता ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूपी में जल्द ही ऑन कॉल टैक्सी और टेली रिक्शा की सुविधा दी जाएगी। प्रदेश के लोगों को अब एक कॉल पर ही सस्ते ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल पाएगी। दरअसल इंदौर के मॉडल पर अटल सिटी ट्रांसपोर्ट सेवा के तहत अब उत्तर प्रदेश में भी ऑन कॉल ऑटो और टेली रिक्शा की सुविधा मिल सकेगी। बता दें कि राज्य सरकार शहरी लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सेवा देने के लिए ओला और उबर जैसी ही सुविधा प्रदेश भर में शुरू करने का विचार कर रही है। वहीं अटल सिटी ट्रांसपोर्ट सेवा के चलते शहरी लोगों को नगरीय बस सेवा, BRTS, मेट्रो सेवा, पब्लिक बाइसाइकिल सेवा, साथ ही ओला और उबर जैसी ऑन कॉल सेवा मुहैया कराई जाएंगी। उम्मीद है कि सेवा के शुरू होने से दैनिक यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। अब सोमवार को खुलेंगे बैंक। दिवाली की छुट्टी के चलते अब सोमवार को यानी 23 अक्टूबर को बैंक खुलेंगे। लगातार 4 दिन की छुट्टी होने के चलते बुधवार को बैंकों में भारी भीड़ नजर आई। बैंक कर्मचारियों की दीपावली बढ़िया होने वाली है, क्योंकि उन्हें त्योहार मनाने के लिए लगातार 4 दिन की छुट्टी जो मिल रही है। दरअसल बुधवार के बाद बैंक अब सीधे सोमवार को ही खुलेंगे। गुरुवार यानी 19 अक्टूबर को दीपावली, 20 को गोवर्धन और 21 अक्टूबर को भाई दूज है, जबकि 22 अक्टूबर का रविवार है, जिसके चलते बैंक अब लगातार 4 दिन बंद रहने वाले हैं। इसी के चलते बुधवार को शहर के सभी बैंकों में लंबी कतारें लगी नजर आईं। चूंकि त्योहारी सीजन में बैंकों की लंबी छुट्टी परेशानी का सबब होना लाजमी है। वहीं बैंक अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के मद्देनजर सभी बैंकों ने एटीएम में भरपूर कैश की व्यवस्था कर दी है, ताकि छुट्टी के दौरान कोई समस्या न आए। अब हर कॉलेज में बायोमेट्रिक अटेंडेंस। शासन ने सत्र से प्रदेश भर के सभी डिग्री और मेडिकल कॉलेज में बायोमेट्रिक मशीन लगाना अनिवार्य कर दिया है। कॉलेजों में होने वाले अटेंडेंस के खेल पर पूरी तरह विराम लगाने के लिए शासन ने सूबे के सभी डिग्री और मेडिकल कॉलेजों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है। ये बदलाव इसी सत्र से लागू होगा, जिसके चलते चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने मेरठ सहारनपुर मंडल के सभी कॉलेजों को तुरंत मशीन लगाकर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। शासन आदेश जारी होने के बाद अब 75% अटेंडेंस पूरी करने वाले छात्रों को ही स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। गौरतलब है कि कॉलेजों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की अनिवार्यता के चलते प्रतिपूर्ति के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े और क्लासों में छात्रों की उपस्थिति पर भी बड़ा असर होगा, क्योंकि छात्रों की उपस्थिति का पूरा रिकॉर्ड रहेगा, जिसके चलते उन्हें क्लास अटेंड करने कॉलेज आना ही होगा। बता दें कि बायोमेट्रिक मशीन एडेड राजकीय, सेल्फ फाइनेंस और मेडिकल कॉलेज सहित सभी प्रोफेशनल कॉलेजों के लिए अनिवार्य होगी, और ये फैसला प्रतिपूर्ति या स्कॉलरशिप पाने वाले सभी वर्गों के छात्रों पर समान तौर पर लागू होगा। ऑनलाइन करें आतिशबाजी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है, तो वहीं गूगल प्ले स्टोर ने कई नए ऐसे ऐप लॉन्च किए हैं, जिन पर आप ऑनलाइन आतिशबाजी कर दिवाली मना सकते हैं। दिवाली पटाखों के बिना अधूरी है, लेकिन यही बढ़ते प्रदूषण की वजह भी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के इंडेक्स के चलते पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया है, जिससे लोग इस बार की दीपावली पटाखों की धूमधड़ाके के साथ नहीं मना पाएंगे। ऐसे में मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर ने लोगों को ऑनलाइन आतिशबाजी का तोहफा दिया है। गूगल प्ले पर ऐसे कई ऐप मौजूद हैं, जिन्हें डाउनलोड कर आप शोर शराबे के साथ पटाखे फोड़ने का मजा ले सकते हैं। बता दें कि गूगल प्ले स्टोर ने दीपावली क्रैकर्स, क्रैकर्स बूम, दीपावली क्रैकर्स मैजिक टच जैसे कई ऐप लॉन्च किए हैं, जिससे आप पॉल्यूशन फ्री इको फ्रेंडली दिवाली मना सकते हैं। सिटी हलचल में फिलहाल इतना ही। मेरा शहर और आसपास से जुड़ी पल पल की खबर को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।